हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड हब। आज हम बनाने जा रहे हैं धनिया की चटनी या कोरिएंडर डिप बोल सकते हैं आप। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, तो चलिए चेक करते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स। 1.5 कप धनिया पत्ती कटी हुई, 1/2 कप ग्रेटेड नारियल, 2 हरी मिर्ची आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 नींबू का रस, 1 टीस्पून नमक, थोड़े से लहसुन, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं भी ऐड कर सकते हैं। एक जार में लहसुन ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे, हरी मिर्ची ऐड करेंगे, अदरक ऐड करेंगे, नारियल ऐड करेंगे और धनिया पत्ती ऐड करेंगे। ऐसे पीस लेंगे थोड़ा सा पानी देकर, इसे पीस के चटनी बना लेंगे। थोड़ी ये पिस गई है, इसमें हम लेमन जूस और नमक ऐड करके फिर से ग्राइंड कर लेंगे, फिर से पीस लेंगे। ये पिस गई है, इसे हम ट्रांसफर करेंगे एक बॉल में। कोरिएंडर चटनी हमारी रेडी है सर्व करने के लिए। इसे खाए आप ढोकला किसी भी नाश्ता के संग में, ये हम सैंडविचेस बनाते हैं उसमें भी काफी यूज में आती है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।